मेहता का उल्टा चश्मा। ओके ओके, थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू। आजी अरे दया, चाय ला। आई, ये लीजिए, घी में जीरा आलू लगाया हुआ मस्त खाखरा। और चाय? हाँ, ले। बोलिए बोलिए अरोरा जी, कैसे याद किया? अच्छा, नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही मेरे आदमी को भेज के आपका होटल कैसे ठीक करवा देता हूँ। नहीं वो लिखत विकत सब देख लेगा, आप चिंता मत करो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ओके। हाँ, ये लीजिए। हाँ। गर्मा गर्म चाय। हाँ। बोलिए माया जी। हैं? अच्छा, नहीं, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे लगता है शायद आपने वो रिमोट में गलती से कोई गलत बटन दबा दिया होगा, इसके लिए वो कुछ नहीं आ रहा होगा टीवी में। नहीं, मैं आज ही मेरे आदमी को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। हाँ, ओके आज ही। नहीं, आज आ जाएगा, पक्का। आज ही ओके। ओहो, सुबह कितने फोन आ गए काम के, शांति से चाय नाश्ता भी नहीं करने देते। ए शांति, काम है तो सब है भाई, जिस दिन काम इंसान का साथ छोड़ देता है उस दिन इंसान किसी काम का नहीं रहता, समझा? नहीं, वो तो बराबर है बापू जी, काम जरूरी है, पर मम्मी। आई मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में। मीटिंग? तेरी कौन सी मीटिंग है भाई? भीड़े ने तुझे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बना दिया क्या? अरे वाह बेटा, कांगड़े से इंसान। क्या मम्मी, तुम भी? पापा तो मजाक कर रहे हैं। और पापा, सोसाइटी की मीटिंग नहीं, टप्पू सेना की मीटिंग। कल हमें स्कूल में छुट्टी है तो उसको लेकर थोड़ी प्लानिंग करनी है। वाह, छुट्टी? किस बात की छुट्टी भाई? हमारे आगे वाले स्टैंडर्ड की एग्जाम है, इसलिए हमें छुट्टी है, तो हम लोग प्लानिटोरियम घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो बेटे, बहुत अच्छी बात है, मैं आप सब लोगों के लिए नाश्ता बना दूंगी। अरे वाह, ओके मम्मी, बाय मम्मी, बाय पापा, बाय दादाजी, बाय बाय बाय। धीरे धीरे बेटो। छुट्टी, कितना मस्त शब्द है छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। ये टप्पू से छुट्टी की बात सुनकर मुझे भी एक दो दिन छुट्टी लेने का मन हो गया। वाह, क्या उम्दा विचार आया है तुझे जेठिया। है ना बापू जी, छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। जेठिया, तू भाई इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, तो मैं तो कहता हूँ एक दो दिन के लिए क्यों, तू एक दो महीने की छुट्टी ले ले। बाबूजी, हाँ, तू ने मस्त घर में ऐसे पैर लंबे करके आराम करना है, दुकान में चला जाया करूंगा। और वैसे भी नटू बागा और मगन तो है ना बापूजी। अरे क्या बापूजी, कभी सोचा है एक दिन की छुट्टी की वजह से देश का कितना काम अटक जाता है, देश का कितना नुकसान होता है? हर हफ्ते रविवार को एक छुट्टी मिलती है ना, लेकिन नहीं, वो काफी नहीं है, इसलिए कभी कभी शनिवार को तू आधा दिन ही दुकान जाता है। त्योहारों में छुट्टी, चुनाव के दिन छुट्टी, 15 अगस्त को छुट्टी, 26 जनवरी को छुट्टी, जिसे देखो वो बस यही पूछता है छुट्टी कब है, कब है छुट्टी। मैं तो कहता हूँ ये छुट्टी मनाने वालों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए। बराबर है बापूजी, मेरी माँ भी हमेशा कहती है जैसे सूरज दादा कभी छुट्टी नहीं लेते, नदी कभी छुट्टी नहीं लेती, वैसे हमें भी कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। अभी इसमें सूरज दादा और नदी दादी बीच में कहाँ से आए? तू रहने दे बहू, रहने दे, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं। तू रे भाई, तू आराम से घर में रह, तू जा भाई, जा अंदर जाके सो जा, दुकान में जाता हूँ। बापूजी, मैं जा रहा हूँ ना दुकान। अरे मैं जा रहा हूँ दुकान, मैं जाऊँ। बापूजी प्लीज ऐसा मत। अरे जेठिया छोड़, मैंने कहा ना मैं जाऊँ। जेठिया छोड़ मुझे। अरे जेठिया छोड़। लगा। अरे मुझे नहीं लगा, मुझे जाने दे। अरे जेठिया हट जा, मैं जा रहा हूँ बापूजी। मैं जाऊँगा जिनेंद्र, मैं जाऊँगा जेठिया, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जेठिया, रुक, मैं जाता हूँ दुकान।
बापूजी, आप मजाक कर रहे थे? हाँ तो मैं मजाक ही कर रहा था। बाकी मेरा जेठिया तो बहुत मेहनती है, कभी कभी उसे आलस आ जाता है काम का, तो थोड़ी चाबी लगानी पड़ती है। देखा ना अभी जैसे चाबी लगाई वैसे दौड़ा दुकान। बहुत मेहनती जेठिया है, जेठिया है। अरे क्या कर रहे हैं यार भाई, देख के चलो भाई। अरे क्या देख कर चलो, तुम देख कर चलो। और मैं किधर चल रहा था, मैं तो खड़ा था। अरे तो खड़ा रहना तो अपने घर की बालकनी में खड़े रहो, इधर कंपाउंड के बीचों बीच क्यों खड़े थे? जेठालाल मेरा मर्जी, मैं किधर भी खड़ा रहूं, तुमसे मतलब? अरे तुमसे मतलब का क्या मतलब है, बिना मतलब के अभी हमारे बीच में टक्कर हो गई ना। I'm so sorry, I'm late. Hi, Jetha ji. Good morning, Babita ji. Good morning. Aya, chale? Subha, subha, kis taraf ja rahe hai, Babita ji? Ghumne ja rahe. Ghumne? Kyun, Aya bhai ko dukaan nahi jana? Mera matlab office nahi jana? Nahi. Kyun? Jairalal, maine aaj chutti liya hai. Sorry, Babita ji. Aya bhai, bura mat lagana, lekin आप जैसे लोगों की वजह से ये हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। मतलब समझाता हूँ, हर हफ्ते एक छुट्टी आपको मिलती है ना रविवार को, लेकिन वो आपको कम पड़ती है, इसलिए आप शनिवार को भी आधा दिन ही काम पे जाते हैं। फिर हर त्योहार में आपको छुट्टी चाहिए, इलेक्शन में छुट्टी चाहिए, 15 अगस्त 26 जनवरी आपको छुट्टी चाहिए, ऊपर से छुटक छुटक आप छुट्टी लेते हैं वो अलग से, मतलब 365 दिन में कुल मिला के 200 दिन तो आप छुट्टी करते हैं, तो 165 दिन में हमारा देश कहाँ से प्रगति करेगा? बबीता जी आप बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए। एक्चुअली जेठा जी, अय्यर ने ये छुट्टी मेरे लिए ली है। क्या है ना, पिछले कई दिनों से वो बहुत बिजी था, तो एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर एक आध दिन की छुट्टी ले सके तो यू नो इट विल बी ग्रेट। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, वो तो व्यवहारिक है, पत्नी के लिए तो पति को छुट्टी लेनी ही चाहिए ना। मैं ऊपर की जो छुट्टी लेते रहते ना उसकी बात कर रहा था बबीता जी, वो तो गलत है ना। वैसे भी जेठालाल, मैंने ओवर टाइम करके अपना पूरा काम खत्म करने के बाद फिर छुट्टी लिया है, अपना काम है तो अधूरा छोड़ के छुट्टी नहीं लिया है। आप नौकरी वालों का ये अच्छा है, जब मर्जी छुट्टी ले सकते है, हम बिजनेस वालों का क्या है बबीता जी, जब मर्जी छुट्टी नहीं ले सकते, अगर इच्छा भी हो छुट्टी लेने की तो भी नहीं ले सकते, क्या सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है ना। या आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, वैसे आप पे तो काम का बहुत प्रेशर रहता होगा ना। प्रेशर मतलब बबीता जी, प्रेशर कुकर से भी ज्यादा प्रेशर रहता है। प्रेशर कुकर का तो कैसा है, अगर उसमें ज्यादा प्रेशर हो गया तो सीटी ऊपर करके थोड़ी वराड़ निकाल सकते, लेकिन दुकान में दुकान की छत ऊपर करके प्रेशर थोड़ा कम कर सकते। You're absolutely right. Babita, अभी हम लोग चले, ये तो जेठालाल के साथ बात करने में पूरा छुट्टी खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, चले चले चले। वैसे कहाँ छुट्टी मनाने का सोचा है? जेठालाल, हमारा पूरा प्लान सेट है। सबसे पहले एक अच्छे से होटल में जाकर हम लोग ब्रंच करेंगे। मतलब लंच? लंच लंच नहीं जेठालाल, ब्रंच। मतलब क्या है कि जब ब्रेकफास्ट और लंच साथ में करते है ना, तो उसको ब्रंच बोलते हैं। फिर जेठालाल, हम थोड़ी देर घर आकर आराम करेंगे, फिर एक अच्छे से मॉल में जाकर शॉपिंग करेंगे, और उसी मॉल में मस्त एक मूवी देखेंगे, और जेठालाल शाम को कैंडल लाइट डिनर करने के बाद घर पर आएंगे। वाह, दिस इज सुपर आइडिया, आई एम सो एक्साइटेड। अब चले चलो चलो। ओके बाबी जेठा जी, सी यू सून। चलो ये अय्यर भाई सच में नसीब लेके पैदा हुए। चलो जेठालाल, तुम्हारे नसीब में छुट्टी नहीं है, सिर्फ काम काम और काम ही है। चलो रिक्शा, रिक्शा 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 रिक्शा। इन लोगों को रुकना नहीं होता है तो रिक्शा लेके रास्ते पे निकलते क्यों है यार? क्या मुसीबत है। अरे भाई साहब, एमजी रोड जाना है, चलो। सॉरी साहब, आज मेरा छुट्टी है।
अरे छुट्टी है तो रिक्शा में क्या कर रहे हो? क्या है ना साहब, मैं दिन रात ऑटो चलाता हूँ, इसलिए ऑटो में सोने की ऐसी आदत है कि घर में बिस्तर पे नींद नहीं आती, इसलिए यहाँ पे सोने आया हूँ मैं। आ तो काम करो, मुझे एमजी रोड छोड़ के वहाँ सो जाना, ठीक है? चलो। आप समझ ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि मेरी छुट्टी है आज, आप दूसरा ऑटो देख लीजिए। आज जिसे देखो वो छुट्टी मना रहा है, एक मैं ही हूँ जिसे काम करना पड़ रहा है। करो और क्या, जेवा मारा नसीब। रिक्शा, रिक्शा। ओम श्री भुवनेश्वरी माताय नमः, ओम श्री लाखेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री लाखेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री भुवनेश्वरी माताय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, ओम श्री भुवनेश्वरी माताय। मगा क्या बताऊं नट्टू काका, बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। अरे पर हुआ क्या ये तो बता। वो नट्टू काका, आज सुबह दुकान आने से पहले मैं बावरी जी से मिलने गार्डन गया था। बताइए मैं कौन हूँ? नट्टू काका। क्या बागेश्वर जी, आपको मेरी आवाज नट्टू काका जैसी लगती है? बावरी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बागेश्वर जी, आपको आज के दिन भी मजाक सूझ रहा है? आज के दिन क्यों, क्या है ऐसा? आज आपको याद नहीं आज क्या है? याद है ना, आज बुधवार है और 12 तारीख भी है। नहीं बागेश्वर जी, आज कुछ और भी खास है। और कुछ खास है? कमाल है बावरी जी, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? आपने मेरे पूरे मुंह पे पानी फेर दिया। आपको तो कुछ भी याद नहीं, एक दिन तो आप मुझे भी भूल जाएंगे। अरे नहीं नहीं बावरी जी, फूल अपनी खुशबू को कैसे भूल सकता है भला? फूलों की खुशबू तो फूलों में ही समाई रहती है। क्या बागेश्वर जी, आपको सब कुछ याद है? मुझे बराबर याद है बावरी जी, आज ही के दिन एक साल पहले हम दोनों पहली बार मिले थे, और इसीलिए बावरी जी मैं आपके लिए ये गिफ्ट भी लाया हूँ। गिफ्ट? क्या गिफ्ट है बागेश्वर जी? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। कांदा? कांदा। आपको याद नहीं, इस कांदा की वजह से तो हम दोनों पहली बार मिले थे, इसलिए मैंने सोचा आज के इस मौके पर मैं आपको गिफ्ट में कांदा ही दूं। थैंक यू बागेश्वर जी। बागेश्वर जी चलिए ना, आज हम सेलिब्रेट करते हैं। पहले पिक्चर देखने जाएंगे, फिर पार्क घूमने और फिर पाव भाजी खाने। नहीं नहीं बावरी जी, आज छुट्टी थोड़ी है, आज तो चालू दिन है, दुकान में कितना सारा काम है, और अगर सेठ जी को बताऊंगा तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। वो तो आप नहीं बताएंगे तब भी गुस्सा करेंगे। तो सोचिए ना बागेश्वर जी, आज हमारी मीटिंग एनिवर्सरी है। सेठ जी को मनाने के लिए क्या करूं, क्या करूं मैं? एक काम कीजिए, आज आप दुकान ही मत जाइए। नहीं नहीं बावरी जी, दुकान तो जाना पड़ेगा सेठ जी को मनाने के लिए। पहले वो थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाद में मैं सेठ जी को कैसे भी करके मना लूंगा। वाह बागेश्वर जी, फिर ठीक है, आप सेठ जी से छुट्टी लेकर मुझे लेने आ जाइएगा, फिर हम दोनों पिक्चर देखने चलेंगे, पर आ जाइएगा। हाँ हाँ बावरी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से सीधा दुकान जाऊंगा और सेठ जी को मना कर छुट्टी लेकर आपको लेने आ जाऊंगा। अरे पर बागा, तू सेठ जी से छुट्टी लेगा कैसे? अकॉर्डिंग टू सेठ जी डेली रूटीन, सेठ जी इस दरवाजे से अंदर आएंगे। और अंदर आते ही सेठ जी गले को पैर पड़ेंगे। जैसे जैसे घड़ी का कांटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे काम भी बढ़ता जाएगा,
और जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा सेठ जी के दिमाग का पारा भी ऊपर चढ़ता जाएगा। तो एक काम करो नटू काका, ठंडा ठंडा सीताफल फालूदा सेठ जी को पिलाकर उनका दिमाग एकदम ठंडा कर दूंगा और फिर उनसे छुट्टी की बात करूंगा। नो 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 बागा, सीताफल फालूदा इज वेरी एक्सपेंसिव, सेव मनी फॉर बावरी। और दूसरा क्या है, ठंडा गरम मिक्स होगा तो एक्सप्लोजन होगा। ठंडा गरम, ठंडा फालूदा और सेठ जी का गरम मगज, दोनों अगर मिल गए तो दोनों में से एक तो फटेगा। अरे बाप रे, तो क्या करूं, सेठ जी से कब बात करूं? आई थिंक एक मौका है। कब? सेठ जी गले को पैर पड़े और काम शुरू करे उसके बीच में एक छोटा सा विंडो है, उस विंडो के अंदर घुस के तुम अपनी बात कह दो तो शायद तुम्हारी बात बन जाए। वाह नटू काका वाह, ब्रिलियंट आइडिया, इसे कहते हैं बुजुर्गी अनुभव। चाले नटू काका, ये बाहर ये क्या काम चल रहा है? सेठ जी रोड रिपेयरिंग का काम चालू है। सत्यानाश, आज पूरा दिन सर पर यह ठोक ठाक चलता रहेगा, गया आज का पूरा दिन। अरे ऐसे ही है, बाहर आज काम चलता रहा तो ग्राहक अंदर दुकान में कैसे आएंगे? क्या इशाराबाजी चल रही है आप दोनों में? सेठ जी बागा आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, बोल क्या कहना चाहता है? सेठ जी वो, सेठ जी वो, बोल। विंडो अभी तक खुली नहीं है, कैसे घुसूं? अरे विंडो को छोड़, घुस जा। क्या बोल रहे हैं आप दोनों? नहीं सेठ जी वो आज, एक मिनट रुक भाई, तू बोले उसके पहले मुझे बोल लेने दे वरना मैं भूल जाऊंगा। आज देख तुझे बहुत सारे काम करने, सबसे पहले बैंक में जाके पासबुक भरानी है, उसके बाद वो अरोरा भाई के होटल में वो एसी हमने दिया है ना उसमें से बोल रहे कुछ पानी बानी लीक हो रहा है वो जरा देख लेना। फिर वो माया जी का फोन आया था, कह रहे कि उनके टीवी में कुछ केबल आ नहीं रहा है, मुझे लगता है उनसे वो टीवी का सेटिंग हिल गया होगा तो वो जरा देख लेना। और हाँ गोपाल भाई का चेक रेडी, वो लेके आना ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा था तू? वो सेठ जी मैं आज कुछ और करने की सोच रहा था। क्या नए स्टॉक की लिस्ट बनाने की सोच रहा था? अरे वो नटू काका करेंगे भाई, तुझे जो बोला वो काम करने भाई, तो क्या इधर उधर का सोच रहे तू? नहीं नहीं सेठ जी मैं वो नए स्टॉक की लिस्ट नहीं, कुछ और ही करने की सोच रहा था। क्या और क्या बोलू? वो सेठ जी मैं आज आपके लिए चाय मंगवाने की सोच रहा था। अरे तो भाई उसमें सोचने का क्या, जा मंगा चाय मंगा। नहीं नहीं सेठ जी बागा आपके लिए चाय मंगाने की नहीं सोच रहा, मैटर इज समथिंग एल्स। दरअसल बागा आपसे कुछ कहने से डर रहा है। क्यों, ऐसा क्या कर बैठे है तू? क्या मुझे कहने से डर रहा है? क्या हो गया तुझसे? नहीं नहीं सेठ जी मुझसे कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ कर नहीं बैठा हूँ। तो वो दरअसल आज मैं आ गई बागेश्वर जी। बावरी जी आप? बावरी तू? बावरी जी आप यहाँ? हाँ, इससे पहले कि आप मुझे रिक्शा में लेने आए मैं आपको अपने स्कूटर पे लेने आ गई। और ये देखिए पिक्चर की टिकट आज के शो की। चलिए बागेश्वर जी हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। दोस्तों बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता भी ना बड़ा कमाल का है। बॉस चाहता है कि एम्प्लॉय छुट्टी न ले, एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मान लीजिए किसी बॉस को खुद को एक दिन भी छुट्टी लेना मुहाल हो और उसका एम्प्लॉय अपनी छुट्टी के लिए उसे इस अंदाज में आवेदन करे तो आदरणीय महोदय श्री आज मेरी बावरी के साथ मुलाकात की प्रथम वर्षगांठ होने के कारण मैं दुकान में आने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया एक दिन की छुट्टी स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। आपका अपना भवदीय बागेश्वर।
अभी बाघा ने ये आवेदन जेठालाल को दिया भी नहीं था कि बावरी ने पहुंचकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब जेठालाल है आग बबूला, अब वो बाघा पे किस तरह कहर ढाते हैं और देखना ये होगा कि अपनी प्रियतमा के सामने डांट खाकर बाघा क्या करते हैं। ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा से आप छुट्टी नहीं ले सकते। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.